सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस क्या होती है, और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं Tut49, बिकॉज ये हमारा 49th ट्यूटोरियल है हमारी इस पाइथन की सीरीज का। और अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, और इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ BMW। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी इसी तरह की कुछ क्लासेस क्रिएट करी हुई हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ यार, जाके देख लो उनको भी एक बार, आप लोगों को पता चलेगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम किस तरीके से उन्हें पाइथन के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी है और इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे अब एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखूंगा। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहली जो वैल्यू रखने वाला हूँ वो होगी हमारी सेल्फ डॉट स्पीड, बिकॉज मैं यहाँ पे स्पीड लेने वाला हूँ इससे कि हमारी कार की स्पीड कितनी होने वाली है, वो चीज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ। और स्पीड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 10। ठीक है, 10 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी डिफाइन नहीं करने वाला कंस्ट्रक्टर में। नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा एक फंक्शन और क्रिएट करूँगा, और इस फंक्शन का इस बार मैं यहाँ पे नाम रखने वाला हूँ मैक्स स्पीड। ठीक है, और ये मैक्स स्पीड के नाम का मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, अब इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, मैं अब इस फंक्शन के अंदर आ जाऊंगा, और इस फंक्शन के अंदर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट स्पीड। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा है जिसके अंदर कि मैं इस स्पीड को प्रिंट कर रहा हूँ। और अब मुझे यहाँ पे सिर्फ यही एक लौती क्लास नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि अब मैं अलग अलग कार्स के लिए अलग अलग क्लासेस क्रिएट करूँ जो कि बेस क्लासेस रहेंगी हमारी कुछ कार्स के लिए, और हर एक क्लास के अंदर ये मैक्स स्पीड वाला फंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बार बार तो ये फंक्शन लिखूंगा नहीं, और हो सकता है कभी कभी बाय मिस्टेक मुझसे ये फंक्शन बनाना छूट जाए। तो अब हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो अब हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम लोगों को कैसे क्रिएट करना है आप लोग बताता हूँ। फ्रॉम ABC इम्पोर्ट, और ABC के अंदर से हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा ABC, और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बेस क्लास क्रिएट कर दूंगा कार्स नेम की। उससे होगा क्या, वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर यूज़ करूँगा जो कि होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोगों ने अभी अभी यहाँ से इम्पोर्ट किया है इस ABC के अंदर से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नीचे आके मैं यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन कर दूंगा जो कि हमारा मैक्स स्पीड का। मैं इसी को यहाँ से पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर ले जाके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न, फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 कर देता हूँ। इसके अंदर की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल 10 रख रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब जैसे ही मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड बना दूंगा, तो अब यहाँ पे मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि मुझे हर एक क्लास के अंदर एक मैक्स स्पीड नाम का फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी हो चुका है अब मेरे लिए कि मुझे अब हर एक क्लास के अंदर एक मैक्स स्पीड नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस BMW के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा इस कार को। ठीक है, सॉरी, हम लोग ये जो BMW क्लास है ये इनहेरिट कर रहे हैं इस कार नाम की बेस क्लास के अंदर से। और अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ Car1 के नाम से, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ BMW को। ठीक है, और इसके अंदर क्या मुझे कोई वैल्यू पास करनी है, नहीं, मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करनी। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं लिखूँ Car1.MaxSpeed, अगर मैं ऐसा लिख दूँ इसे, ठीक है, और अब अगर मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। बट इन केस अगर मैं गलती से ये फंक्शन बनाना भूल जाऊँ, या मैं इसे अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करना चाहूँ, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर रन हो रहा है। तो अब ये यहाँ पर रन क्यों हो रहा है, यहाँ पर रन इसलिए हो रहा है बिकॉज हमें यहाँ पर जो कार क्लास है इसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पर पास करना पड़ेगा ABC। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ABC पास कर देता हूँ,
और उसके बाद फिर अब अगर मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ पाइथन की फाइल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करके दे रहा है, टाइप एरर, कांट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास BMW विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैक्स स्पीड। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया था कि मैक्स स्पीड हर एक क्लास के अंदर होना चाहिए जो भी इससे इनहेरिट होकर आ रही है। अब BMW इससे इनहेरिट हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक मैक्स स्पीड नाम का फंक्शन होना ज़रूरी है। और अब अगर मैं इसे यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अब इस बार मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है इस बार क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर ली है, और अब हम उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज़ कर भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड्स और क्लासेस क्रिएट करी जाती हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट है तो नीचे जाके कॉमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर से इस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो अभी जाइए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अभी तक यहाँ पे टोटल 49 वीडियोस हो चुकी हैं, और इन फ्यूचर में मैं इसमें और वीडियोस ऐड करते रहूंगा लगातार, जिससे कि आप लोगों के पाइथन की प्रैक्टिस में कोई भी ब्रेक नहीं आए और आप नई नई पाइथन से रिलेटेड चीज़ें सीखते रहें। और इसके साथ साथ मैं जल्दी आप लोगों के लिए अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन हैं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सकें। सो बस, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप डेवलपिंग। Thank you.